वीडियोस, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देह व्यवसाय के अड्डे पर छापा, सीसीटीवी कैमरों की बैटरी चोरी, बिजली गिरने से बैल की मौत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। अपनी 12 वर्षीय बेटी की उपस्थिति में घर में देह व्यवसाय चला रही एक महिला के घर पर पुलिस ने छापा मारा। लालच में फंसी पीड़ित महिला को छुड़ाकर कोराडी पुलिस ने रैकेट चलाने वाली महिला को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई महिला डफे ले आउट लोनारा गांव निवासी नोरिन रेमंड राइसन साइमन बताई गई। नोरिन का पति उसे छोड़ चुका है, वह अपनी बेटी के साथ लोनारा गांव में रहती थी। आसानी से पैसा कमाने के लिए उसने अपने घर में ही देह व्यवसाय शुरू किया। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियां और महिलाओं को वह देह व्यवसाय के काम में लगाती थी। ऑनलाइन लोगों से जुड़कर उन्हें व्हाट्सएप पर महिला और लड़कियों की तस्वीर भेजती थी। सौदा तय होने पर अपने घर बुलाती थी। क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा विभाग को इसकी जानकारी मिली। पंटर ग्राहक नोरिन के घर पर भेजा गया। उसने एक महिला को घर पर बुलाया और ग्राहक से 1,500 रुपए लिए। जैसे ही सौदा तय हुआ, ग्राहक ने पुलिस को इशारा दे दिया। टीम ने उसके घर पर छापा मारा। पीड़ित महिला का पति भी उसे छोड़ चुका है। उसके उधर निर्वाह के लिए वह देह व्यवसाय कर रही थी। पुलिस ने नोरिन के खिलाफ कोराडी थाने में मामला दर्ज किया है। दूसरी खबर, स्मार्ट एंड सेफ सिटी प्रोडक्ट के तहत एमआईडीसी परिसर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की बैटरी अज्ञात आरोपियों ने चोरी कर ली। एमआईडीसी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपराधिक गतिविधियों की निगरानी करने के लिए शहर में 3,500 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। एमआईडीसी परिसर में भी नीलडोह जंक्शन से लेकर आईसी चौक, सेंट जेवियर्स से लेकर डिगडोह चौक और वीसीसीई कॉलेज परिसर के आसपास भी कैमरे लगाए गए थे। विगत 1 सितंबर को देर रात अज्ञात आरोपियों ने विभिन्न स्थानों पर कैमरों के लिए लगाई गई 20 बैटरी चोरी कर ली। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तीसरी खबर, पारशिवनी के प्रभाग क्रमांक 2 निवासी कृष्णा खंडाते के मकान में बने तबेले में रोज की तरह बैल बांधे गए थे। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे के आसपास बैल पर बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। खंडाते ने पारशिवनी के तलाटी पालीवार तथा तहसीलदार प्रशांत सांगड़े को यह जानकारी दी। मृत बैल का पशु वैद्यकीय अधिकारी ने पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट पेश की। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर है, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद। देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात। देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ। हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात। आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार, दोनों पहलुओं पर होगी बात। मेरे साथ, मेरे प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। सरकार से सीधी बात दोपहर 2 बजे।